बहुत ही खूबसूरत तरीके रविंद्र सिंह पोपा सरदार नेक सिंह का सपुत्र बहुत ही शानदार मैदान अपनी टीम दिल कर चुकी है। इधर सुहाने पिंड का अमन मैदान फिर कबड्डी पा रहे है। हम देखते भी चार गभरू ने सामने इन चार नौजवानों के कौन मानता बली पुत दोत करता है। रायसर नगर का कहते भी राजा उधर लोहगरिया पाला धना अली परिया ना राजा सुने रायसरिया उधर अमन भी वेखो बिल्कुल जे कहते भी पिछले खुड़ी बड़ी तकड़ी जी रेस इस मैदान की तकड़ मिली तो बड़ी शानदार पॉइंट का वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। बहुत ही कारयोग साढ़े सतनाम सिंह जी सत्ता जो कि बठिंडे तो प्रधान ने इंग्लैंड फैडरेशन के सुरेंद्र सिंह जी मार्ग सैकटरी साहब जिन्हों के बहुत बड़े उपराले ने अमरीक सिंह घोड़े वर्गे रशाद शीरे वर्गे इन्हों सारे वीर बहुत बहुत मुबारक ने जे हर साल इंग्लैंड तो पुज के इस पवित्र धरती से महाकुंभ करवाने पुजते ने उधर कहते भी इंदा नथो हिड़ पिंडा दर तुम्हारी पिंडा मनी के मुंडा तेरा मैं चकला चल चलिए जग दे वेले उधर साडे पंडित मदन गोपाल मधु जी गोपाल मेरा नाम दे विच इशारा करते हुए कि पॉइंट मनी दे हिस्से जा जुड़ी है। वही दो मिनट का समा पहलवान का हो गया कुश्ती लड़ते अजे तक कोई नहीं असर होया क्योंकि बराबर के पहलवान अटैक बड़े हिसाब न सोच के करना पड़ता है। कई बार अन्ना अटैक किया है सामने वाला पहलवान फिर पॉइंट ले जाता तीन मिनट कुश्ती हो गया पहलवानों और पेनल्टी लग जानी है अगर कुश्ती नहीं लड़ेगा। रेफरी गाइड कर रहा कि बढ़िया तरीके से कुश्ती लड़ो नहीं तो पेनल्टी के तैयार हो तैयार हो। आए इस मुकाबले तो बाद नैक्सट मैच जी फिर तो बेनती है भी मोगे टीम के खिलाड़ी जिथे भी रास होते ने मैदान के नेड़े पहुंच जाएंगे। इधर कहते भी इंद्रजीत सिंह बनी समाने पिंड का नौजवान जिसने फिर धावा बोलिया हुई है जिस नौजवान की गल तुहाडे पहले साझी की थी पिछले 15 दिनों के दो जे बुलट मोटरसाइकिल जितने का बहुत बड़ा मान हासिल किया है। लो अली परिया धन्ना जो इस नौजवान नहीं रोक सकिया रंग छजन मैदान देश विदेश खेड दे कैर बन के लोगो देश विदेश खेड दे कैर बन के गुरी धरेर की कबड्डी चमे धनारी पिंडा मनी कहते भी प्रसिद्ध जाती है जिस नौजवान ने पिछले साल स्विफ्ट गड्डी का मान सम्मान दिया गया है। केवल सिंह जी घोलू माजे हुणा वल्लों पिछले पासे खुरी ने बहुत ही तकड़ी कोशिश है ते बड़े शानदार पॉइंट दा वाधा अपनी टीम दे कर दिता है। चल प्रवीर सिंह पा फिर कबड्डी करखां वाले सम्मान खेड कबड्डी दी कि जे ठार दियां धुप्पां दे विच सड़ना पैंदा ई किसे गुरु दा पल्ला मित्रो फड़ना पैंदा ई। 5 मिनट कुश्ती दे बीत चुके आ खड़े पहलवान दा पेचा पै गया उपर के जवान के नाल गोरे रंग का पहलवान जरा उपर का पहलवान है 18 साल की उम्र आ दूसरे पासे 26 साल की उम्र और 7 साल की उम्र का फर्क है दोनों का और कुश्ती बहुत बढ़िया तरीके चल रही है। माने सानू दविंदर सिंह चेयरमैन करनाल जोड़े कि जूरी मैंबर है कुश्ती के वो भी पहुंचे आ सुरेश पहलवान भारत केसरी हरियाणा डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स स्पेशली सत्ते दे पहुंचे आ सुरजीत ललिया रोहतक पहलवान और परमजीत सिंह पम्मा जूते रेलू वाले वो भी पहुंचे आ अब्दुल हमीद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अफसर हरमन संधु ओलंपियन सुभाष मलिक जी उन्होंने अवतार जी यूनिवर्सिटी पटियाला के कोच कबड्डिया एक डीवीडी है अवतार नंदपुरी वालों
जिन्हों प्यारा भी कहने हो और तुसी ये लाए सकते हो मुंडा आले दाले तुहाडे घूमद और वैंकूवर कनेडा दे मैच ने दे विच टोरंटो कबड्डी सीजन दे पहले दस वधिया जाफियां दी तस्वीरां लगियां तुसी लाए सकते डीवीडी है पेंडियां कबड्डियां ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰੀ ਪ੍ਰੇਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੇਖਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥੇ ਵੀਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਉਧਰ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਹੈਲੋ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਖੜਕ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਉਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਪਾਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਲਏ ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ 3 ਮਿੰਟ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 7 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਆ ਅੱਜ ਹੰਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਔਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘਟਿਆ ਅਗਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚ ਹੋਣਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਸਿੰਘ
इतनी बड़ी दस्तार है उन्होंने। जो दसम पिता के को छोटे बाबा जी ने शिकायत की थी कि मैनू नहीं खिलाते उन्होंने कहा प्लीज बहुत ही बड़ी कुश्ती थोड़े सामने और कुश्ती का जरा रूप देना घोड़ना भुपिंदर पहलवान ने घोड़ना प्रधान चल जी और एक मिनट रोको माइक न मैं गल पूरी कर लवा कि जो दसम पातशाह के कोले शिकायत की सी छोटे बाबा जी ने वो आखदे तू छोटा है तो असी तेनू नाल नहीं खिलाउणा तो उन्हें और कलगी सजा के नीली और वड्डा सारा बन के कहा सी कि हुण तां मैं वड्डा हो गया तो उस प्रथा नू जारी रख्या होया खालसे ने कि ये गुरु दियां लागियां फौजां ने और मेरा ख्याल है अपनी खेड कला का प्रदर्शन करेगा। इस तरह मक्खन संधु
मस्ती करन दा महान धावी। हेलो जी, आ जिहड़ा मैच होया इहदे पॉइंट संगरूर दे पॉइंट आ 27 पॉइंट, संगरूर दे 27 ते रोपण महाली फतेहगढ़ साहब दे पॉइंट आ 35। रोपण महाली फतेहगढ़ साहब दी जिहड़ी टीम आ उह जेतू आ इस मैच दे ते उह मुकाबले लई रेडी रहण। ते हुण जिहड़ा मुकाबला दोनों टीमां ग्राउंड दे विच ऑफिशियल सहवान जिन्हां दी ड्यूटी लगी आ उहनां नूं बेनती आ मैच शुरू करवाउण। पिछले 15 दिनों ਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਆ ਅੱਜ ਹੰਡੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ
कुश्ती हुई और अभी रुमर प्राप्त के भी से भूपेंद्र पहलवान मछीवाड़ा के ट्रेनिंग ओवर टू कबड्डी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ दूसरे तो केंद्र की रूपर पहलवान भारत के श्री तो भूपेंद्र पहलवान मछीवाड़ा के दरमियान दी कुश्ती हुई और देखो ताड़ियों मार दो दर्शक प्रीतले पास कबड्डी का बड़ा जबरदस्त मुकाबला खेडा जा रहा है। असफल हो चुकी है पैंट भी इसने इस काले नौजवान ने अपनी टीम को जोड़ दिता है। एक टीम मेरा ख्याल आ गई है तन तरन आइया मोगा आइया भी तन तरन हाथ खड़ा करो नहीं पुजती तो 2000 फेडरेशन फाइन हो जाना है मोगे की टीम को। इस करके मोगे टीम के खिलाड़ी संबंधित कोच साहब नोट करेंगे मैच का थमा समा थोड़ा बाकी है इस करके मोगे टीम के खिलाड़ी जल्दी मैदान के बारे पास पहुंच जाए। बड़े खूबसूरत मैच का आनंद माण की समुची सात संघ का बहुत बहुत धन्यवाद है। पर इधरले पास कहते भी झनेर पिंड का नाली मैदान सोर के टक्कर करता हुआ जोड़ता हुआ पॉइंट अपनी टीम के लिए जिसे पहला नाम 5 लाख दूजा नाम 2.5 लाख तीजा नाम 1.5 लाख चौथा नाम जो 1 लाख रुपया बहुत बड़े नाम ने जी। तो लोनी रूपर पहलवान भारत केसरी की गोल जेतू हाथ खड़ा करते पहलवान ना हिंदुस्तान का ऊपर का पहलवान इस समय 1 नंबर का पहलवान है मन्ना हना की धरती तो चैंपियन बन गए हैं गोल जीत गए हैं पहलवान। और आड़ी बंद हो गई लाडलिया फौजा के नीम सिंह इन्नी वड्डी दस्तार है उन्हां दी जदों दसम पिता दे कोले छोटे बाबा जी ने शिकायत की सी कि मैनू नहीं खिडाउंदे एक मिनट रोके माइक नू मैं गल पूरी कर लवा कि जदों दसम पातशाह दे कोले शिकायत कीती सी छोटे बाबा जी ने वो आखदे तू छोटा है ते असी तेनू नाल नहीं खिडाउणा ते उहने और कलगी सजा के नीली और वड्डा सरा बन के कहा सी कि हुण तां मैं वड्डा हो गया ते उस प्रथा नू जारी रख्या होया खालसे ने कि इह गुरू दीआं लाडलीआं फौजां ने और मेरा ख्याल है जी की पग है बनी हुई बाबा जी ने भी तस्वीर खिंचन के लिए मुकाबले साढ़े जे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार ने लो ओवर टू कबड्डी। हेलो लो जी कुश्ती के जो रूल आ 3 गोलियां पहलवान की जाए कुश्ती तो पहला कि पहलवान मैदान चल जाए अगर तीसरी कॉल के अंदर पहलवान नहीं आता तो वैबसाइट खराब दिता जाता वो किसी नाम का हक नहीं मिलता ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ने मैंने कहा कि दूसरे पहलवान बुलाओ अगर वो पहलवान तीसरी कॉल के नहीं आता तो और बुलाना क्योंकि ऑर्गेनाइजर कमेटी के फैसले के हिसाब से चलना है।
अमरीक उदा जी घुदा साहब अमरीक उदा जी मेरी गल सुनो बाबा जी तुसी आ गलासियां च ना पा के दो जग लेके आओ हाँ पानी ठंडा पिलाने जो मैच के लास्ट पाने इधर कहते भी बनी नाजबा ने मैदान फिर बजे हुए है उधर चार गबरू ने कहते भी अच्छा चंदे पिंड का राजा से धना नहीं भरी है पर वेखो सामने कभी बात ही शानदार तरीके तत् फड़े हुए इसमें आप हुक्म का पूरा यत्न जरा किया जा रहा है मुकाबला सख्त है कि टीली तो बन गया लांग लांग तो बन गया कोका नहीं तारियां मारते दस मिलो बात ही तकड़ा से जबर पर जरा पॉइंट इसमें कभी अपनी टीम से जुड़ चुकी है उधर पंजाब प्लस चैनल तो सर वीर पुजे हुए ने उन्होंने भी धन्यवाद है जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया अज के स्कबड्डी कप को कवर करने पुजे हुए है धन्यवाद इस सारे वीर दे पर इधरले पास देखते भी लाली झनेर पिंड का नौजवान कबड्डी पा रहे है उधर नथवा प्रिया कुलदीप पर रैफरी के फैसले के नाल एक पॉइंट जरा इस लाली नौजवान ने अपनी टीम दे है ਪਿੰਡਾ ਮਠੱਡਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਗੇ ਸੁੱਖਾ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਓ ਅਮਨ ਅਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਬਾ ਵੀ ਬਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਅਮਨ ਸੁਹਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੇਡਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ ਚੁੱਕੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿਣਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਨਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਦੀਪੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਜੁੱਥੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਝੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ चार गबरू ने सामने शेरू ते मनी इको नगर धनौरी पिंड लो शेरू उधर कहते भी काला हमीदी पिंड का नौजवान जी अगले शानदार अंक का वाधा कर चुके हैं ये नाल ही जो मैच समाप्त हो चुका है ते अगले मैच में दोनों टीमें मैदान च पुजनगियां सुखा करियाल साडा वीर अगले मैच के रनिंग बोल सांझे करने मैदान च पुजनगे और स्कोर जिहड़े देती है स्कोर वीर नूं साडे कोल पुजदे कर दिओ तां जो असीं ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਅਰਸ਼ ਚੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਸੰਧੂ ਮੱਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਧਾਵੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 27 ਤੇ ਰੋਪੜ ਮਹਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ 35 ਰੋਪੜ ਮਹਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਆ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ